खबीस भूत, एक बेहद ही खतरनाक भूत। दोस्तों, खबीस भूत की एक कहानी मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं, और आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूं ना, ये कहानी आपको बेहद अजीब लगेगी, लेकिन इससे आपको खबीस भूत की वो जानकारी मिलेगी जो शायद आपको पता नहीं होगी। क्या होते हैं खबीस भूत, आखिर वो किसका शिकार करते हैं, और जिस इंसान से वो अपना मतलब चाहते हैं वो उसको कैसा आभास देते हैं, और कैसा व्यवहार वो करने लगता है। ये कहानी आपको इसकी पूरी जानकारी देगी, लेकिन ये कहानी है बेहद ही खौफनाक, तो मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी हमें भेजी है आतिफ जी ने, जो कि जम्मू के रहने वाले हैं। आतिफ के साथ ये घटना 7 साल पहले हुई थी। उस समय आतिफ अपने दोस्तों के साथ खेला करता था, और ज़्यादातर क्रिकेट खेलना काफ़ी ज़्यादा उन्हें पसंद था। अब क्रिकेट खेलने के लिए अपने उस मोहल्ले के एक ग्राउंड में वो जाया करते थे। पूरा हफ्ता तो वहाँ पर अच्छी गेम खेली जा सकती थी, लेकिन रविवार के दिन वहाँ खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि रविवार के दिन उस ग्राउंड में और भी कई बच्चे आए हुए होते और वो भी क्रिकेट खेल रहे होते। तो आतिफ को जगह नहीं मिलती, उनके दोस्तों को, हम उम्र को वो जगह नहीं मिलती, और रविवार बड़े बच्चों का खेल उन्हें देखना पड़ता, और इसी तरह से रात का वक्त हो जाता और वो मुंह ताकते रह जाते। इसके बाद उन्होंने सोचा कि ऐसे हर रविवार हम ढूंढते रह जाएंगे कि कब हमें मौका मिले, तो इंतज़ार करते रह जाएंगे, और जैसा कि पिछले 3 महीनों से हो रहा है, रविवार को खेलने को मिलता ही नहीं। अब बड़े बच्चे ज़्यादा संख्या में आते हैं, हमारी चलती नहीं, ऐसा क्यों नहीं करते कि हम किसी नए ग्राउंड को ढूंढते हैं या किसी ऐसी जगह पर खेलना शुरू कर देंगे जो सपाट है, खेलने लायक है। तो उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया, और एक दोस्त ने कहा कि मेरे दादाजी का घर जिस तरफ है ना, वहाँ घरों के पीछे एक मैदान है, खाली सी जगह है, वहाँ कई बार बच्चे फुटबॉल खेलते हैं और काफ़ी समय पहले खेला करते थे, अब तो कभी कभी आते हैं, वहाँ पर रविवार के दिन ट्राई करते हैं, अगर जगह मिल गई तो खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब सभी बच्चे तैयार हो गए थे, आतिफ भी तैयार था, और क्रिकेट बैट तो आतिफ का था, तो सबसे पहले बैटिंग का मौका उसे मिला करता था। अब वहाँ उन्होंने ग्राउंड ढूंढ ली, तो जो ग्राउंड थी वो थोड़ी सी घास से भरी हुई, कुछ घास को उन्होंने साफ किया, हाथ से निकाला, उसके बाद खेलने लायक ग्राउंड बन गई, और वहाँ परेशान करने वाला कोई नहीं। एक तरफ घर बने हुए थे, एक तरफ ज़्यादा बड़ा मैदान था, खाली सा, वहाँ से बॉल उठाकर लेकर आने में मुश्किल नहीं होती। तो उन्होंने एक रूल बनाया कि जो लेग साइड है, यानी कि लेफ्ट साइड, उस तरफ कोई शॉट नहीं मारेगा, स्ट्रेट मार सकते हैं क्योंकि आगे रास्ता काफ़ी खाली सा है, तो एक सड़क सी गुजरती है, वहाँ से बॉल लाई जा सकती है। ऑफ साइड यानी कि राइट साइड, जितना मारना चाहती हो मारो, जितना ज़ोर से मारना है, उन्होंने नियम बनाया, और सबसे पहली बैटिंग भी आई आतिफ की। तो आतिफ बैटिंग करने लगा, यहाँ खुला मैदान था, जोर जोर से शॉट लगाई जा सकती थी, जबकि जहाँ वो पहले खेला करते थे वहाँ अच्छे से खुलकर बैटिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी ग्राउंड नहीं थी, और कई बार बॉल गुम हो जाती तो जो भी उस बॉल को खो देता यानी ज़ोर से मारता, उसे नई बॉल खरीदनी पड़ती। अब सबके घर वाले ठीक ठाक ही थे, बार बार बॉल खरीदना उनके लिए मुश्किल होता था, तो इकट्ठे मिलकर जो कुछ रुपए डालकर एक रबर की बॉल लेकर आया करते थे। यहाँ खुला मैदान, जोर जोर से अब आतिफ शॉट मारने लगा, ऑफ साइड, स्ट्रेट, मारता गया, लेग साइड एक दो बार थोड़ा सा फ्लिक हुआ, तो बाकी दोस्त कहने लगे कि उस साइड घर बने हुए हैं, दीवार है, लेकिन उठाकर मत मारना, यानी कि उससे आगे मत मारना, फिर बॉल दोबारा मिलेगी नहीं। अब जो आतिफ था कहने लगा, तुम मेरी कैपेबिलिटीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हो, जो मैं खेलता हूँ ना, बड़ा ज़ोर से खेलता हूँ। स्ट्रेट शॉट लगाता गया, कुछ छक्के लगाए, अब एक बार बॉल थोड़ी सी स्विंग हुई एक तरफ हवा के कारण, तो जब उसने शॉट लगाई, भाई लेग साइड हवा में बहुत दूर, घर के पीछे। अब लेग साइड छोटी थी तो घरों के बीच चली गई। बाकी दोस्त कहने लगे, अब बॉल लेकर आ। आतिफ कह रहा, कैसे लेकर आऊँ यार, घरों के अंदर चली गई, अब पिटेंगे हम। दोस्त कह रहे, लेकर आ, नई तो बॉल थी, सबने रुपए डालकर ये नई बॉल खरीदी थी, तू बैट लेकर आया है, तो हमने बॉल लाई थी, तो अब तुझे हमें बैट देना होगा फिर। आतिफ कहने लगा, नहीं, बैट को संभालो, मैं बॉल लेकर आता हूँ, अब मुझे ज़िंदगी दांव पर लगानी होगी, कुछ जैसे डांट मिलेगी कोई बात नहीं, बैट तो मेरा रहेगा ना, और बॉल भी मिल जाएगी, अब अच्छे से खेलेंगे, इस बार तो ज़ोर से मार दी।
अब आतिफ उस घरों के पास से बॉल को लेकर आना चाहता था, तो वहां दीवार थी एक तरफ, उसको फांदा तो देखा कि जो घर थे ना कुछ पुराने और ज्यादातर बंद पड़े हुए। अब जहां पर बॉल गई थी वो एक ही घर लंबा सा था, यानी कि बॉल वहीं पर होगी। आतिफ सोचने लगा वहां जाऊंगा, आराम से बॉल लेकर आऊंगा। वैसे भी वक्त अभी 12:01 बजे का था दोपहर का, तो आतिफ उस दीवार को फांदकर उस घर के अंदर गया। चारों तरफ कई कमरे बने हुए थे, आगे कुछ खाली जगह थी जहां पहले कभी सब्जियां वगैरह या फल के पौधे लगाए गए होंगे। अब एक अनार का पौधा लगा हुआ था, एक अमरूद का पौधा लगा हुआ था, ऐसे कई और पौधे भी थे, तो वहां काफ़ी ज़्यादा घास भी थी। तो उस घास में ऐसे टटोलता हुआ बॉल को ढूंढने की कोशिश कर रहा, 5 मिनट ऐसे ही बॉल को टटोलता रहा। उसे लगा इस घास में बॉल नहीं है, आगे गई होगी। एक तरफ कमरे बने हुए, दरवाजे नहीं थे। अब वहां पर वो देखने लगा, कमरे के अंदर ज्यादा रोशनी नहीं जा रही थी, बाहर से जा रही थी और हवाएं चल रही थी, थोड़े से बादल आए हुए थे। तो जो आतिफ था ना, धीरे धीरे पहले वाले कमरे में झांकने लगा और उसे वहां पर एक बेंच नजर आया, एक लकड़ी का टेबल नजर आया जिसे बहुत ज्यादा घुन ने खाया हुआ था, उसके नीचे पड़ी हुई वो बॉल। जैसे ही आतिफ ने बॉल को हाथ लगाया, हाथ ऐसे किया ऊपर वाला जो टेबल था, अब टेबल पर इतना ज़्यादा घुन लगा हुआ कि वो टेबल की सारी लकड़ी खाई जा चुकी थी, यानी कि ऊपर जो मिट्टी होती है ना घुन के ऊपर आ जाती है दीमक के ऊपर, वो मिट्टी से टेबल का आकार बना हुआ था। हाथ लगाया भाई मिट्टी नीचे, उसे लगा यार ये क्या, यहाँ लकड़ी का सारा सामान ऐसे ही रखा था, किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, घर को बंद करके ऐसे ही चले गए, चलो मुझे क्या बॉल मिल गई, अब मैं वापस चलता हूँ। जैसे ही कमरे से बाहर निकला था ना, एक बार उसे चक्कर आए और वो नीचे गिर गया। सर थोड़ा सा एक मिट्टी से टकराया था, चोट तो नहीं लगी लेकिन फिर भी गिरा था तो छाती पर थोड़ा सा चोट के निशान बने थे, सर पर ज़्यादा चोट नहीं लगी, वैसे सर घूमा। उसके बाद वो उठा, झाड़ा, मिट्टी को साफ किया और सोचने लगा ये क्या यार, अचानक जैसे आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया। फिर वो दीवार को फांद कर ग्राउंड में गया। अब बाकी बच्चे खेल रहे थे और बारी इस बार आतिफ की नहीं थी। रूल नया बनाया गया कि अगर कोई इस तरफ मारता है ज़्यादा आगे तक तो वो आउट है। तो आतिफ काफ़ी ज़्यादा लड़ा लेकिन उसे बारी मिलने वाली नहीं थी। अब उसकी बारी बॉलिंग की या फील्डिंग की थी, तो बॉलिंग कोई और कर रहा, उसकी बारी फील्डिंग की आई, सबसे पीछे खड़ा हो गया। 2 बार बॉल उस तरफ आई, वो सही से पकड़ नहीं पाया, उसका ज़्यादा ध्यान बैटिंग की तरफ हुआ करता था, फील्डिंग अच्छी नहीं थी, 2-3 बार पकड़ नहीं हुई। 1 बार अचानक चक्कर आए वो गिर गया, जबकि 1 बार उसने बॉल को पकड़ने की कोशिश की और अचानक जैसे पाँव में पाँव फंसा और एक तरफ पानी था जैसे रुका हुआ तो उसमें गिर गया वो। ऐसा कुछ हो रहा था जैसे उसका शरीर कमज़ोर हो गया हो या उससे कंट्रोल नहीं हो रहा, इस तरह से गिरा नहीं करता था। वो ज़रूर था कि फील्डिंग घटिया थी, पकड़ नहीं होती थी बॉल, कई बार निकल जाती, लेकिन इस बार तो ऐसे हालात जैसे बार बार चक्कर आ रहे हैं, बैठा नहीं जाता, फील्डिंग नहीं हो रही यार, धूप के कारण गर्मी लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बार बार वो बहाने लगा रहा, लेकिन असल में आतिफ बहाने नहीं लगा रहा था जैसा उसके दोस्त मान रहे थे, असल में उसे गर्मी ज़्यादा लग रही। बीच बीच में जैसे उल्टी आने का मन करता, आँखों के सामने अंधेरा सा आ रहा और ऐसा लग रहा था उससे खड़ा नहीं जाएगा, बार बार बैठे जा रहा, जबकि उसे फील्डिंग करनी थी खड़ा होकर, तो बार बार जब बॉल करवाई जाती वो बैठ जाता फिर खड़ा हो जाता। दोस्त कह रहे देख तू जानबूझकर बैटिंग कर चुका है, अब यहाँ पर फील्डिंग नहीं करना चाहता। वो बारी 1 घंटे में ख़त्म हुई थी, यानी एक तरफ की बैटिंग दूसरी तरफ की बैटिंग। उसके बाद आतिफ कहने लगा मैं जाने वाला हूँ, मैं नहीं खेल पाऊँगा, मैं घर जाने वाला हूँ, बैठ दो। दोस्त कह रहे यार आज तो खेलने का मौका मिला है भाई, रविवार का दिन है, देख पूरा दिन खेलेंगे ना शाम तक। जो आतिफ था कह रहा नहीं मैं नहीं खेल सकता, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आतिफ ने अपना बैट लिया, दोस्तों से झगड़ा किया, उसके बाद वो घर आ गया। घर आने के बाद अपनी माँ को कह रहा माँ मेरी सेहत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, खाना नहीं खाऊँगा, उल्टी आने का मन कर रहा है। माँ ने थोड़ी सी देसी दवाई कुछ जो घर में रखा हुआ था वो दी और कहा कि तुम आराम करो। दोपहर के वक्त वो सोया और शाम के वक्त उठा, शाम के वक्त कुछ अच्छा लगा तो काफ़ी ज़्यादा उसने खाना खाया, चिकन मटन बनाया हुआ था जो सुबह के वक्त का, वो उसने खाया, उसके बाद फिर से वो सो गया। अगली सुबह जब वो उठा बिल्कुल तंदुरुस्त अच्छा लग रहा, लेकिन थोड़ा देर से उठा था तो माँ को कह रहा माँ मैं नहा नहीं पाऊँगा। माँ ने कहा नहा कर जाओ, पढ़ने जा रहे हो स्कूल तो नहा कर तो जाना होगा। उसने कहा नहीं माँ नहाने का मन नहीं कर रहा,
थोड़ा सा झगड़ा किया और कई बार ऐसा करता था कि नहाने का मन नहीं कर रहा, मैं नहीं नहाऊंगा, तो ऐसे जल्दी से तैयार होकर निकल गया। माँ कहती रह गई, टिफ़न तो ले जाओ। उसे लगा कि टिफ़न के बहाने माँ ने पकड़ा ना, टाइम अभी 10 मिनट है, माँ कहेगी नहाओ नहाओ और माँ नहलाने लगेगी। उसे लगा निकलो, बिना टिफ़न लिए वो निकल गया। अब स्कूल में भी बार बार उसे उल्टी आने का मन करता, मन घबराने लगता। बेंच पर बैठा होता तो ध्यान जैसे किताबों में नहीं होता, किसी चीज़ की तरफ देखता तो देखता रह जाता। दोस्त कह रहे, क्या हुआ, तेरी सेहत कल से खराब लग रही है, खेल भी सही से नहीं पाया, ठीक तो है ना, डॉक्टर को दिखाया? उसने कह दिया, नहीं नहीं डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, इतनी ज़्यादा सेहत खराब नहीं है, सब कुछ ठीक होता है, अचानक चक्कर से आने लगते हैं, ऐसा लगने लगता है जैसे आंखों के सामने अंधेरा सा आ रहा हो, और बाकी यार इस कमरे में इतनी दुर्गंध जो आ रही है वो घटिया सी दुर्गंध, मैं परेशान हो गया। दोस्तों ने कहा, कौन सी दुर्गंध? आतिफ ने कहा, ये जो गंदी सी दुर्गंध आ रही है ना, कैसी, गटर की स्मेल। दोस्त ने कहा कि कौन सी गटर की स्मेल, तुझे पता है ना क्लास ये सबसे अच्छे वाली है, सुबह सुबह सफाई की जाती है और यहाँ पर वो जो लड़कियाँ फूल लेकर आती हैं ना सामने अपने टीचर को इम्प्रेस करने के लिए, तो फूल लगा देती हैं, खुशबू तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आतिफ कह रहा, नहीं मुझे तो बदबू आ रही है, बहुत ज़्यादा बदबू, और इसी कारण मेरा सर दर्द कर रहा है। ये कहकर वो क्लास से बाहर गया। जब रिसेस का टाइम था, उसके बाद बाकी बच्चे खाना खा रहे, अब वो टिफ़िन तो लेकर नहीं आया था और बाकियों का खाना वो खाया नहीं करता था, बाहर घूम रहा, यार बदबू, हवा में बदबू है, बहुत ज़्यादा बदबू है, ये बदबू वो बदबू। तो उनके स्कूल के एक तरफ एक आम का पेड़ लगा हुआ, ऐसे और पेड़ लगे, उसके बीच वो बैठा, वहाँ कह रहा यहाँ ठीक लग रहा है। जब उसके दोस्त आए ना, तो वहाँ उसके दोस्त कह रहे, यार यहाँ क्यों बैठा है, यहाँ थोड़ी सी पेड़ों की बदबू आ रही है, और ख़ास तौर पर जो पपीते का पेड़ था ना, वो थोड़ा सा गला हुआ था, काला काला सा हुआ, तो पपीते का जब पेड़ गलता है तो बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, वो ज़्यादा गंदी स्मेल तो नहीं होती लेकिन अजीब सी लगती है, वहाँ अजीब सी वो स्मेल आ रही थी। बाकी आम के पेड़ के नीचे छाल से, वो जब छाल लकड़ी गल जाती है वो गंदी सी स्मेल वो आ रही। लेकिन जो आतिफ कह रहा कि यहाँ ठीक लग रहा है, यहाँ हवा साफ है, यार बाकी जगह कैसी स्मेल आ रही है भाई, कुछ गंदे कपड़े कहीं पड़े हैं या कोई गंदी चीज़ से सफाई की है, बदबू बड़ी परेशान कर रही है। ऐसे उसका पूरा दिन निकला, कंप्लेंट करता रहा, बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। शाम के वक्त घर गया, घर जाते ही उसकी अम्मी टूट पड़ी, बता टिफ़िन क्यों नहीं लेकर गया, तू ज़्यादा नकचड़ा हो गया है, देख, ऐसे डांट पड़ी, अब्बू से डांट पड़ी जो दुकान से आए थे। अब अब्बू उसके थोड़े शरीफ थे, सादा डांटते नहीं थे, उसकी अम्मी थोड़ी सी खड़ूस थी कि गलती की है तो सज़ा मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा। वो कह रहा, माँ खाना दे दो। उसकी अम्मी कह रही, नहीं अब रात को मिलेगा, तुझे समझ आनी चाहिए, खाने को तूने इस तरह से खाने का तिरस्कार किया है, खाने को अपनाया नहीं जो सुबह मैंने बनाया था, अब दोपहर को नहीं मिलेगा, रात को मिलेगा। अब रात तक वो कैसे इंतज़ार करता, तो बैठा रहा, थोड़ा भूखा लग रहा था, 4 बजे का वक्त होगा, तो उसके दोस्त अभी 5 बजे आने वाले थे उसे बुलाने के लिए, बाहर टेबल पर ही वो बैठा हुआ, भूख ज़्यादा लग रही। ज़्यादातर तो उसकी अम्मी थोड़ी नरम दिल थी, कुछ समय सज़ा देती थी, बाद में कहती थी चल मेरा बेटा ही है, भूख लगी होगी। अब उसकी अम्मी ने कहा कि खाने को इस तरह से छोड़ा है ना, थोड़ा 1 घंटा इंतज़ार करवाऊंगी, जब बाकी दोस्त आएंगे ना उनके सामने खाना दूंगी ताकि अच्छे से खाए और बाकी बच्चे भी खा लेंगे। लेकिन जो आतिफ था ना, उसे लग रहा कि यहाँ सब कुछ अच्छा लग रहा है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। भाई डस्टबिन में हड्डियाँ पड़ी थीं, जो उसके अबू खाना खाकर गए थे ना, तो हड्डियाँ पड़ी, उठाकर हड्डियाँ खा रहा। उसकी अम्मी ने देखा, अम्मी दूर से भागी भागी आई, हाथ में कुछ था ऐसे छोड़ कर मारा, कपड़ा था ऐसे ऐसे मारा, क्या कर रहा है? वो कह रहा, अम्मी भूख लगी है बहुत ज़्यादा। अब उसकी माँ को तरस आ गया कि बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा लगता है, बीमार भी है, बेवजह मैंने खाना नहीं दिया। तो उसकी अम्मी ने ना प्लेट में जो चिकन मटन बनाया गया था कल का, वो सामने रखा। जैसे ही आतिफ खाने लगा, उसने छोड़ा, माँ ये क्या, खराब हो चुका है, अब खराब खाना सामने रखती जा रही हो। उसकी अम्मी ने खाना खाकर देखा कि स्वाद देखती हूँ खराब हो गया है। उसकी अम्मी ने कहा, नहीं फ्रिज में तो रखा था, खराब थोड़े ना हुआ है। आतिफ कह रहा, खराब हो चुका है, जबकि उसकी अम्मी कह रही नहीं। आतिफ ने कहा, नहीं नहीं अम्मी वो वाला दो ना, ताज़े वाला जो अब्बू खाकर गए हैं, अब हड्डियों से स्वाद आ रहा था, मैं खुद को रोक नहीं पाया, क्या अच्छी स्मेल आ रही थी डस्टबिन से। उसकी अम्मी पास गई, वहाँ से स्मेल आ रही, अम्मी कह रही तूने यहाँ से निकाल कर खाया कैसे, पागल हो गया है, कितनी गंदी बदबू। आतिफ कह रहा, अम्मी वो वाला खाना दो, वो हड्डियाँ पड़ी हैं,
चिकन मटन वो वाला। अम्मी कह रहे यही तो है, यही तो खाकर गए हैं तेरे अब्बू। आतिफ कह रहा नहीं अम्मी आपने वो नहीं दिया। अब जो आतिफ था गुस्सा हो गया, अपने कमरे में चला गया, अंदर से दरवाज़ा लगा लिया। उसकी अम्मी ने कुछ पहले बुलाने की कोशिश की, फिर उसकी अम्मी को लगा कोई बात नहीं, इसके अब्बू शाम के वक्त आएंगे, बिठाएंगे, अच्छे से बात करेंगे इसके साथ। लेकिन तब तक जो आतिफ था नीचे लेटा रहा, अब बेड पर भी नहीं लेटा, अजीब सा लग रहा था उसे, तो ज़मीन पर लेटा। अब शर्ट उसकी गंदी हो गई, जो स्कूल वाले कपड़े अब तक उसने पहने हुए वो हो गए गंदे। अब उसकी अम्मी ने पहले वाले कपड़े धोए थे कल, वो अच्छे से सूखे नहीं थे, मौसम सही नहीं था, अब बादल थे, थोड़ी हवाएं चलती थी, तो कपड़े उड़ने के डर से अंदर रखे हुए, वो सूखे नहीं, नए गंदे कर दिए। अम्मी डांट रही शाम के वक्त, अब्बू आए हुए उसके, तो उसे डांट पड़ रही, वो कह रहा ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं नीचे लेट गया। उसकी माँ ने कहा चलो नहा कराओ, उसने कहा नहीं नहाने का मन नहीं कर रहा। झगड़ा किया, नहाया नहीं। रात को उसने खाना अजीब तरीके से खाया, थोड़ा थोड़ा खाया, फेंकता गया, अच्छा नहीं ये, अच्छा नहीं ये, अच्छा नहीं, अब मैं क्या ये सब्जियाँ खाऊँ, अम्मी पता तो है सब्जियाँ मुझे पसंद नहीं, मुझे तो चिकन पसंद है, मटन मैं अच्छे से खाता नहीं, ये वो, अच्छे से खाना नहीं खाया। रात को बिना नहाए सोया, अम्मी ने कहा था आज नहीं नहाए, नहाना होगा, वो नहीं नहाया। अगले दिन सुबह उठा ही नहीं, कमरे से नहीं निकला, 9 बजे के करीब वही गंदे कपड़े उसने पहने, मिट्टी लगी, साफ नहीं हो रही, दाग थे काले काले से ग्रीस के, वो साफ नहीं। निकला तैयार होकर, अम्मी ने कहा ये क्या है, तू नहाया क्यों नहीं, कब से कह रही हूँ नहा करा नहा करा, तू तो ऐसे तैयार होकर आ गया और बाल साफ नजर आ रहा है, नहाया नहीं। आतिफ कह रहा अच्छे तो लग रहे हैं, बालों में मिट्टी थी, वो कह रहा नहीं मैं नहाया हूँ अम्मी। उसकी अम्मी को पता था, माँ तो माँ होती है, कि नहाया नहीं, बदबू आ रही है इसके शरीर से पसीने की, अब खेलता ज़्यादा है तो पसीना आता है, बदबू पहचान में आ जाती है। आतिफ कह रहा नहीं नहाऊंगा नहीं, झगड़ा करके टिफ़न उठाया, बैग में डाला, भागा। अब क्लास में बाकी बच्चों को कह रहा कि क्लास में बदबू आ रही है, बच्चे कह रहे तुझसे बदबू आ रही है, वो कह रहा नहीं मुझसे तो काफ़ी खुशबू आ रही है, ऊपर वाले का नूर है मेरे अंदर, ऊपर वाले का नूर। अब सब कुछ उल्टा था, वो जो शरीर से बदबू आ रही थी उसे लग रहा था मेरी शरीर से एक खुशबू निकल रही है बड़ी अच्छी सी, जबकि बाहर हर चीज़ से बदबू आ रही है, फूलों से, गुलाब के फूलों से लग रहा ये कैसे गंदे गुलाब के फूल, जो कि लड़कियां क्लास में लेकर आईं, हर चीज़ से उसे बदबू आ रही, गंदी जगह पर वो बैठता। अगले 3-4 दिनों तक ऐसा चलता रहा, घर का खाना उसे पसंद नहीं आता, हड्डियाँ चबाने लगता, मांस नहीं खाता ऐसे थूक देता, हड्डियाँ चबाने लगता, हड्डियाँ उसे पसंद आ रही जैसे कोई कुत्ते का भूत आ गया हो। ऐसा चला और उसके बाद एक दिन दोस्तों के साथ उसने खेलने की शुरुआत तो की, खेला नहीं, भागा आगे की तरफ, वही घर के अंदर घास के ऊपर लौट रहा, जबकि कपड़े बदलना नहीं चाहता, इतने दिनों से नहाया नहीं, बदबू ज़्यादा आ रही, उसकी माँ को लग रहा था दिमागी तौर पर कुछ हो गया है, सदमा है, थोड़ा बड़ा तो हो गया है फिर भी 11वीं कक्षा में है, कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं। अब अम्मी थोड़ा शक करती थी, वो इस तरफ लगी हुई, उन्हें इस बात पर शक नहीं हुआ कि आतिफ के शरीर पर कोई साया भी हो सकता है। दोस्तों ने देखा उसी घर में जहां वो बॉल लेने के लिए गया था, ऊपर दीवार पर चढ़कर नीचे लौटे जा रहा है, लौटे जा रहा है और किसी से बातें कर रहा है, कोई मौजूद तो था नहीं। उसके बाद अंधेरे का वक्त हुआ, तब वो वहां से निकला, जब बाहर निकला दोस्तों से बैठ लिया, फिर घर गया, दोस्तों ने घर तक वो खबर पहुंचाई और उसकी अम्मी को थोड़ा शक हुआ, किसी भूत प्रेत का साया लगता है, किसी मौलाना या किसी बाबा के पास जाना होगा, किसी मज़ार में झाड़फूक तो करवानी होगी, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे, रविवार को जाएंगे। अबू का थोड़ा कपड़े का, ऊन के कपड़ों का व्यापार था जो कि वो छोड़ नहीं सकते थे, अभी तो सबसे ज़्यादा वो चल रहा था, तो उन्हें लगा कि थोड़ा इंतज़ार करते हैं। उस दिन बारिश हो रही, स्कूल वो जा नहीं पाया क्योंकि बारिश सुबह 6 बजे से शुरू हो गई और बारिश इतनी ज़्यादा थी, सड़कों पर बारिश हो गई, कई कच्चे रास्ते थे, वहाँ सीलन ज़्यादा हो जाती, फिसलन ज़्यादा हो जाती, तो ज़्यादातर बारिश में बच्चे छुट्टी किया करते थे। घर में था पीछे वाले गार्डन में, अब अंडरवेयर पहना हुआ, कपड़े उतार दिए, ज़्यादातर जब बारिश होती थी ऐसा करता था, अंडरवेयर पहनकर नहाने लगता, भागने लगता। उसकी अम्मी को लगा ठीक है, नहाने की बात तो कर रहा है ना, नहाने के लिए गया है, लेकिन जब नज़र आया ना, वो अंडरवेयर पहने हुए पीछे मिट्टी वाली जगह पर लौट रहा, सुअर की तरह ऐसे, जैसे पूरा का पूरा मिट्टी से सन गया हो। उसके बाद वहाँ एक तरफ कंपोस्ट खाद बनाने के लिए उन्होंने एक बक्सा रखा हुआ था, ठीक है, लकड़ी का बक्सा था, अंदर कुछ प्लास्टिक का बैग रखा हुआ, तो वो क्या किया करते थे, केले खा लिए,
जो बचा वो फेंक दिया, सेब फेंक दिया, जो भी सब्जियां हुआ करती वो उसमें डाला करते, थोड़ा पानी डाल देते। नीचे उन्होंने नल सा लगाया हुआ कि नीचे से जो कंपोस्ट खाद ऐसे बनती वो ग्लास में डालते और पौधों को डाल देते। अब वो बारिश में भीगा हुआ उसमें से निकाल कर ऐसे अपने ऊपर मल रहा, हा मजा आ गया मजा आ गया। ये सब कर रहा आतिफ, उसकी अम्मी को लगा ये गड़बड़ है, ये जो कर रहा है ना इस बार समझ में आ रहा है क्या चीज ये हो सकती है। अब उसकी अम्मी थोड़ी धार्मिक थी, ऐसी बातें अपनी सहेलियों से किया करती थी। जब काम नहीं होता तो औरतें क्या करती हैं आपको पता है, सहेलियों के साथ बैठ जाओ, इधर की बात उधर की बात दूर की बात पारलौक की पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें औरतें करने लगती हैं। खबीस भूत की बातें भी उन्होंने सुनी थी। उसकी अम्मी को दिमाग में आया ये सच तो नहीं, हालत तो बिल्कुल वैसी है, और जैसी स्मेल इसके शरीर से आती है वो सिर्फ ना नहाने के कारण नहीं है, जैसे पखाना करने के बाद ये साफ नहीं करता, गंदी बदबू, इसके पास खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, और ऐसी हरकतें वो करने लगा था। जो घर की गंदगी होती डस्टबिन निकला हुआ होता, बिखेरा होता, उससे हड्डियां चूस रहा होता, गंदी चीज़ें चूस रहा होता, सब्जी जैसे फल थे उसे पहले खाने पसंद थे, अब वो फल नहीं खाता, फल के गलने का इंतज़ार करता, कंपोस्ट खाद बनाने के लिए फलों को फेंका होता भाई वहाँ से निकाल कर खा रहा होता, यहाँ गंदगी लगी होती, कितनी स्मेल आती है सड़ी हुई सब्जियों से आप जानते हैं, उसे वो अच्छी लगा करती थी। उसकी अम्मी अब ये मान चुकी झाड़ फूक करवानी होगी, उसे ले जाना असंभव के समान था। उसकी अम्मी थोड़ी मोटी थी, अब चलना फिरना कम होता था तो वो थोड़ी हट्टी कट्टी थी, लेकिन खींच कर ले जाना मुश्किल हो रहा। भाई आतिफ कह रहा नहीं मैं बाबा बाबा के पास नहीं जाने वाला, ना आऊँगा तो नहीं, बारिश में नहाया ना कितना अच्छा नहाया, जबकि बारिश ने तो और गंदा कर दिया था, मिट्टी लगी हुई साफ नहीं करना चाहता, शैम्पू कह के मिट्टी को बालों में लगाया था, सोच सकते हैं जेल से बालों को खड़ा किया, ऐसे खड़ा किया मिट्टी से। उसकी अम्मी को लगा कि ये पागल हो जाएगा। वक्त शाम के 6 बजे का, अंधेरे में वो ले जाना चाहते थे, अब्बू आ गए। अब उसकी अम्मी खींच रही, वो टांग कभी दरवाजे में फंसा लेता, कभी किसी चेन को पकड़ लेता। उसके अब्बू थोड़े शरीफ थे तो थोड़ा जोर कम लगा रहे, अरे बच्चे की बाजू मुड़ जाएगी, ये हो जाएगा। उसकी अम्मी ने कहा आप बाजुओं को पकड़ो, आप बाजू को संभालो। उसके अब्बू ने बाजुओं को ऐसे पकड़ लिया अच्छे से, अम्मी ने टांगे पकड़ी हवा में, अब लेके चलते हैं। ऐसे उसे लेकर जा रहे तो वहाँ आस पड़ोस के लोग देख रहे क्या हुआ, वो चीखे मार रहा मुझे ले जा रहे हैं जेल में डालने के लिए, मरवा देंगे मुझे पुलिस के हाथों, ये वो, बचने के लिए ये सब कर रहा, क्योंकि उसे पता था, शायद उसके अंदर जो है उसे पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। भनक उसकी अम्मी ने दे दी थी कि बाबा के पास ले जाऊंगी तुझे बाबा के पास, इसीलिए वो बचना चाहता था। अब एक बाबा था मजार के पास तो टांगों से पकड़ कर ले गए, सीधा अंदर घुसेड़ दिया। बचने के लिए क्या करते, अब्बू ने बाजू पकड़ी हुई ऐसे ऐसे झटके मार रहा, अम्मी ऐसे टांगे पकड़ी हुई, अम्मी जैसे ही थोड़ी गुस्से में आती ऐसे टांगे वो करता, ऐसे अम्मी मुक्का पीठ पे टप, फिर वो थोड़ा ढीला पड़ जाता, चाहे वो खबीज भूत पीठ पर पड़ा ऐसे वाला मुक्का ना जैसे अंदर से हर चीज को हिला कर रख देता। शांति, 2-3 मुक्के पड़े शांति, फिर टांगों को ज्यादा नहीं हिलाया, झाड़ फूक की गई, उसे एक लड्डू जैसे बेसन का बनाया, कुछ और चीज़ें थीं जो उसकी ज़बान पर रखी गई, कुछ बोलने को कहा गया, ऐसे करके झाड़ फूक की गई। अब बाकी कोई चिमटे वगैरह पीठ पर तो वो तो पड़ नहीं थे, उसकी अम्मी कह रही 2-4 और मारो, वैसे ही वो मार चुके, ऐसे झाड़ फूक की गई रोता रोता वहीं पर। अब हालत ऐसी बनाई गई कि झाड़ फूक उसकी नहीं हुई, सिर्फ वो खबीस भूत की नहीं हुई जो उसके शरीर के अंदर था। आतिफ की भी सब कुछ जैसे पूरी अच्छी सर्विस हुई, अगले साल के लिए ये सर्विस काफ़ी थी, अब वो शरीफ हो गया। वहाँ पर कुछ लोग थे जो झाड़ फूक करते थे, उन्होंने बताया ये खबीस भूत होता है और जिसके शरीर में आ जाता है उसको आलस होने लगता है, वो इंसान सोता ज़्यादा है, नहाता कम है, और कई बार हफ्ते में एक बार भी नहाना पसंद नहीं करता, और उससे भी ज़्यादा दिन निकलने लगते हैं। धीरे धीरे गंदी चीज़ें उसे खानी ज़्यादा पसंद होती हैं, फटे गंदे कपड़े पहनना वो शुरू कर देता है, और शरीर पर आलस का ऐसा हाल होता है काम कहो तो जैसे मौत के बराबर है भाई, उठा नहीं जाता। ये खबीस भूत के शुरुआती लक्षण होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। इस तरह से आतिफ को अपने शरीर पर दोबारा कंट्रोल मिला। अगले दिन वो समझ गया
कि उसके शरीर पर कोई हावी था। भले ही सोचता वो था, लेकिन जैसे कोई चीज थी जो जानबूझकर उससे ये सब करवाती थी। उसके बाद उसे आराम मिला, नहाना शुरू किया, सब कुछ करना शुरू किया, फिर से पहले जैसा बन गया। अच्छा बच्चा था, लेकिन खबीस भूत के कारण ऐसा बना। और दोस्तों, अब आप भी समझ गए होंगे कि ये जो खबीस भूत होता है ना, वो क्या करता है। ध्यान रखिए, आलस, ना नहाना, गंदी चीजें खाना और गंदे बनकर रहना, अच्छी चीजों से दूर रहना, ये खबीस भूत के लक्षण होते हैं। और अगर आपको लगता है आपके आसपास भी कोई ऐसा पीड़ित हो सकता है जिस पर खबीस भूत धीरे धीरे हावी होता जा रहा है, तो उसे सचेत जरूर कर दें और नीचे कमेंट जरूर करें, क्या ये जानकारी आपके लिए अच्छी थी या नहीं, क्या इसका इस्तेमाल आप आगे भविष्य में करेंगे किसी को सचेत करने के लिए, वो भी बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।